दोस्तों, स्वागत है आपका मजेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी, वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमय राइड के लिए। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं, असल जिंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं है। रात की गहराई या तो पूरी तरह चांद को तकने वाला जानता है या शायद खुद वो चांद। वैसे तो चांद भी कुछ रातें जागने के बाद अमावस की काली रात को सोने चला जाता है, पर मेरे नसीब में ये भी नहीं है। शायद एक रात ऐसी गुजरी कि उस रात मेरी इंसानियत भी गुजर गई थी। आज कब्रिस्तान की एक कब्र पर बैठा किसी अभागी लाश के टुकड़े नोच नोच कर खा रहा था मैं। रोटी खोर से तब्दील होकर मैं मुर्दा खोर बन चुका था। दिन भर सुनसान मकानों और खंडरों की दरो दीवार के पीछे भटकता और रात में अंधेरों की आड़ में अपनी वहशत मिटाने के लिए निकल पड़ता था मैं। बात उस शाम की है जब मार्केट में अचानक मेरी स्कूटी फिसल जाने से मैं सड़क पर जा गिरा था और चेहरे पर खरोंचें और सर पर गहरी चोट आने के साथ साथ मेरा चश्मा भी टूट गया था। हेलमेट ठीक से ना बना होने के कारण स्कूटर से गिरते समय दूर जा गिरा था और नतीजा मेरा लहूलुहान चेहरा, सर और खड़खड़ाती स्कूटी। चश्मा दूर की नजर का था जिसे मैं ड्राइविंग करते या घर से बाहर निकलते समय इस्तेमाल किया करता था। खैर, कुछ लोगों की मदद से मरहम पट्टी करवाकर मुझे एक शख्स एक चश्मे की दुकान पर ले आया था। दिखने में यह दुकान काफी पुरानी लगती थी। नीले रंग की ऊंची दीवारें, एक बड़े से सफेद लाइट बोर्ड पर बड़े से छोटे साइज में छपे अंग्रेजी के वर्ण, एक बहुत ही छोटे कद के बूढ़े पति पत्नी। दुकान के बाहर बहुत बड़ा शोकेस था जिसमें गुजरे जमाने के कलाकारों जैसे दिलीप कुमार, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, नूतन, मधुबाला जैसे कई और जानी मानी हस्तियों की चश्मा पहने पोस्टर पीले पड़ चुके थे। एक अजीब सी चीज मैंने पहली बार किसी चश्मे की दुकान पर देखी थी, वो थी एक आदम कद का बड़ा सा कंकाल जिसने एक बड़ा सा धूप का स्टाइलिश गॉगल पहना था। उस गॉगल में जलती बुझती लाइटों का बॉर्डर लगा था और लिखा था सी लाइफ बियॉन्ड लाइफ, यानी पहनिए ये चश्मा और जिंदगी के पार की जिंदगी देखिए। जाने एडवर्टाइजिंग वाले कभी कभी किस तरह के अजीब अजीब मैसेज लिखते हैं। मेरी आंखों का टेस्ट किया गया। मुझसे पूछा गया कि चोट की वजह से यदि चक्कर आ रहे हैं या दिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं टेस्ट कराने बाद में आ सकता हूं, पर अब तक मेरी हालत कुछ संभल चुकी थी। उन दोनों का स्वभाव इतना अच्छा और प्यार भरा था कि मेरे मन को काफी आराम मिला। टेस्ट के बाद लेंस का नंबर निकाला गया। मैंने चश्मे के फ्रेम का डिजाइन पसंद किया जिसे पसंद करने में काफी मुश्किल हुई क्योंकि लगभग सारे डिजाइन मुझे काफी अच्छे लग रहे थे। मेरी परेशानी देखकर वो मुझे हाथों हाथ चश्मा बनाकर देने को तैयार हो गए। थोड़ा अजीब था क्योंकि अमूमन नंबर का चश्मा बनाने के लिए किसी भी दुकान पर कम से कम एक दिन तो लगता ही है। कुछ पौना घंटा और 500-600 रुपये खर्च करने के बाद मेरा चश्मा तैयार हो गया था। रात के कोई 9 बज चुके थे। खड़खड़ आवाज करती स्कूटी लेकर मैं कोई
7-8 किलोमीटर दूर अपने घर को निकल पड़ा था। चलते चलते मैं एक रेड लाइट के पास जाकर रुक गया। टांगें अभी भी हल्की हल्की कांप रही थी। रुके हुए लगभग 4-5 मिनट हो चुके थे, पर लाइट थी कि हरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ 2-3 बार ट्रैफिक रुका और चल पड़ा, पर मैं हैरान था कि लाल बत्ती में ही लोग कैसे चलते जा रहे हैं। कि तभी सड़क के किनारे एक गुब्बारे बेचने वाला मेरे पास आया और बोला, क्या स्कूटी खराब है भैया? मैंने कहा, नहीं, थोड़ी खरोचे हैं और सामने का फ्रेम टूट गया है, पर स्कूटी चल रही है। तो आप इतनी देर से खड़े क्यों हैं? किसी का इंतजार कर रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, ये लाल बत्ती छूटते ही चल पड़ेंगे। तो वो बोला, भैया 3 बार बत्ती हरी हो चुकी है, पर आप हैं कि चलते ही नहीं। तभी वो बोला, देखो फिर हरी हो गई, देखो सब निकल गए हैं। मैं हैरान था। बत्ती अभी भी लाल ही थी, पर उसकी बात भी ठीक थी। आखिर इतनी देर तक लाल बत्ती कैसे रुकी रह सकती थी? मुझे लगा जैसे उस चोट का असर मेरे दिमाग पर भी पड़ा है। तो अगली बार जब ट्रैफिक निकला, मैं भी उनके साथ चल दिया। पर अगली रेड लाइट पर भी ऐसा ही हुआ। बत्ती काफी देर लाल ही रही, पर इस बार उस लाल बत्ती को देख मैं सम्मोहित सा हो गया था। ना चाहते हुए भी मेरी नजरें उस लाल बत्ती से हट नहीं पा रही थी। एक पल तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो बड़ी सी लाल आंख है और मुझे देखकर पलक झपक रही है। हाथों में पकड़ा स्कूटी का हैंडल हल्का सा कांप गया था और सर से पैरों तक कपकपी सी छूट गई थी। राम राम करता और बाकी ट्रैफिक को फॉलो करता हुआ मैं जब तक अपने ब्लॉक में दाखिल हुआ तो रात के कोई 10:30 बज चुके थे। मेरे घर के सामने बना पार्क बिल्कुल सुनसान था। मैंने स्कूटी की स्पीड कम की और धीरे धीरे घर की ओर आने लगा, पर जाने क्यों मुझे लगने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। सब लोग घरों में घुस चुके थे, पर यह एहसास बरकरार था कि कोई तो मेरे पीछे है। घबरा कर मैंने पीछे देखा तो बड़ा अजीब सा दृश्य था। एक बड़ी सी सफेद आंख हवा में लटकी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हवा में हल्का हल्का ऊपर नीचे तैरते हुए वो मेरे रुकते ही वहीं थम सी गई थी। आंख के साथ साथ लाल लाल नसें भी हवा में झूल रही थी। बदन में बिजली सी कौंध गई थी। मैंने एक बार फिर मुड़कर स्कूटी को हल्का सा बढ़ाया ही था कि दिखा आसपास खंभों पर और पार्क में लगी सब लाइटें अचानक लाल रंग की हो गई थी। मैंने ऊपर वाले का नाम लेते हुए स्कूटर दौड़ा दिया। उन लाल रंग की रोशनियों से बचता बचाता मैं स्कूटी पार्क करके सीधा ऊपर अपने 3rd फ्लोर पर बने घर की ओर दौड़ पड़ा था। शरीर में चोट होने के बावजूद घबराहट और डर ने जैसे मेरे पाँव में पंख लगा दिए थे। हांफता हुआ मैं अपने गेट तक पहुंचा और जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि बेल के स्विच की जगह वही सफेद आंख दीवार से चिपकी हुई थी। मैं ये समझ रहा था कि हो ना हो ये मेरे दिमाग पर लगी चोट की वजह से ही हो रहा है। मैंने दिल कड़ा करके उस चिपकी आंख के बीचों बीच उंगली के छोर से चोट की। 2 काम हुए। एक तो फच की आवाज के साथ वो गोल आंख किसी पानी से भरे गुब्बारे से फूट गई और ना सिर्फ दीवार और दरवाजे पर बल्कि मेरे चेहरे पर भी खून के छींटे आ पड़े। और दूसरा, उंगली की उसी हरकत से घर की घंटी बजी और माँ ने दरवाजा खोला। माँ को देखते ही मेरी जान में जान आई और मैं लगभग रोता हुआ माँ के गले से लग गया। मेरे सर पर बंधी पट्टी देख माँ भी चीखी और उनकी इस चीख को सुनकर मेरे पापा और छोटी बहन भागते हुए बाहर आ गए। मैंने माँ से डोर बेल की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो माँ, ये क्या हो गया है? यहां मैंने सिर्फ दरवाजे की बेल बजाई थी, पर ये सारे खून के छींटे यहां फैल गए हैं। मेरे इशारा करते ही सबने वहां देखा, पर वहां
खून का एक कतरा भी नहीं था। मेरा दिमाग झन्ना गया था। चोट लगने से घबरा गया है बेचारा। मां की आवाज आई और मेरे दिल को थोड़ा और सहारा मिला। मां, पिताजी और बहन तीनों संभाल कर मुझे घर के अंदर ले गए। अंदर जाकर थोड़ा पानी पिया और सारी बात घर वालों को बताकर मन को थोड़ी राहत मिली। पर वो रेड लाइट और आंख वाली बात मैं उनसे छिपा गया था। मां के हाथ का घर का बना खाना खाया और डॉक्टर की दी दवाई लेकर मैं अपने कमरे में सोने आ गया था। कमरे में आकर चेंज किया और लेटने को ही था कि एक अजीब सी बदबू नथुनों से होकर गुजर गई थी। इतनी अजीब कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह किस चीज की है। कमरे में थोड़ा रूम फ्रेशनर छिड़का और चश्मा उतार कर लेट गया। दवाई के असर से नींद सी आ रही थी, पर अभी भी दिमाग में वो पूरा वाकया घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी कोई मुझे देख रहा है। मैंने चादर ओढ़ी और सोने में ही भलाई समझी। शायद दवाई का ही असर रहा होगा कि मुझे गहरी नींद आ गई थी। सुबह 9:30 के करीब आंख खुली। पेन किलर का असर खत्म होने से चोटों में दर्द शुरू हो गया था और दाहिना बाजू और हाथ काफी सूज गए थे। पर इसके साथ साथ मुझे जोरों की भूख और प्यास लगी थी, शायद उस दर्द से भी तेज। उठते ही मैं सीधा डाइनिंग टेबल की ओर भागा। हम लोग मांस मच्छी नहीं खाते थे। हां, अंडा कभी कभी बनाया जाता था, पर मां पिताजी को वो भी पसंद नहीं था। बस मैं और मेरी बहन ही कभी कभी खाया करते थे। उस दिन भी रोज की तरह वेज नाश्ता था, जिसमें पोहा और आलू के पराठे बने थे। सामने रखे पानी के जग से मैंने 3-4 गिलास पानी पिया और नाश्ता प्लेट में लगाकर खाने को ही था कि नाश्ता मुंह के पास आते ही उबकाई सी आ गई। पराठा और पोहा दोनों में से गले के नीचे कुछ भी नहीं उतर रहा था। भूख थी कि दम खुश किए दे रही थी। किस्मत अच्छी थी कि फ्रिज में 1 दर्जन अंडे पड़े थे। मैंने उठकर 3 अंडों का ऑमलेट बनाया और फटाफट हुड़क गया। इतनी जल्दी थी कि उसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला था, पर वो खाने के बाद भूख और भड़क उठी थी। अब की बार 3 की जगह 5 अंडे पैन में तोड़े और आधा पका गर्मा गर्म ऑमलेट निगल लिया। हल्का सा आराम मिला, पर प्यास अभी भी बरकरार थी। 3-4 गिलास पानी और पिया। घर वाले मुझे देखकर हैरान थे। कुछ 5 ही मिनट बाद मैं बचे खुचे अंडे भी गटक गया। इस बार तो ऑमलेट बनाने की जहमत भी नहीं उठाई थी, सीधे ही मुंह में तोड़ तोड़ कर यहां वहां छिलके फेंक दिए थे। पर भूख प्यास बुझने के बजाय बढ़ती जा रही थी। घर वालों ने सोचा कि जरूर कल के एक्सीडेंट की वजह से मेरे व्यवहार में बदलाव आ गया है। घर वालों ने थर्मामीटर से बुखार भी चेक किया तो मेरे बदन का तापमान 103 था। बदन तवे की तरह तप रहा था। चोटों का दर्द, बुखार और लगातार बढ़ती भूख प्यास को देखते हुए इमरजेंसी में डॉक्टर को घर पर बुलाया गया। तब तक मैं गला और पेट पकड़कर भूख प्यास चिल्लाता रहा, पर जितना मैं सुबह से खा पी चुका था उसे देखते हुए डॉक्टर के आने तक घर वालों ने मुझे खाने पीने के लिए कुछ और देने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने आकर चेक किया तो ब्लड प्रेशर काफी बड़ा हुआ था, हार्ट बीट काफी तेज थी। इतना सब खा पी लेने के बाद भी मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। मुझे नींद और दर्द के लिए स्ट्रांग इंजेक्शन दिए गए और सबकी मदद से मैं अपने कमरे में लाया गया। पर कमरे में घुसते ही वही भयानक बदबू का भपका सबको नाक बंद करने और फिर सांसें रोक लेने पर मजबूर कर गया। ना तो किसी चूहे के मरने की बात थी और न ही किसी केमिकल की। कुछ अजीब तरह की बात थी, जैसे इस लोक की ना होकर किसी और लोक की हो। मां ने एक बार फिर रूम फ्रेशनर छिड़का, बिस्तर के नीचे चेक किया, सारे कोनों में देखा, पर चूहा, छिपकली, कॉकरोच
कोई भी मृत अवस्था में वहां नहीं था। इंजेक्शन का असर हुआ और कुछ ही मिनटों में मैं अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे जा पड़ा था। जब तक आंख खुली रात के 11:30 बज चुके थे। अंधेरे के साथ साथ सन्नाटा भी अपने पैर पसार चुका था। इतने घंटे सोते रहने से पूरा बदन अकड़ चुका था। तभी टप 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 की आवाज सुन दिमाग चौकन्ना सा हो गया। अचानक शुरू हुई यह आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हड़बड़ाहट में उठकर घर के सारे नलके चेक किए, पर कोई भी खुला नहीं था। घर वाले सब सो चुके थे। होश में आते ही भूख और प्यास बुरी तरह जोर पकड़ चुकी थी और इधर वो टप टप की आवाज सुनकर घबराहट सी हो रही थी। सारा घर घूम लेने के बाद मैं कमरे में पहुंचा तो दम खुश्क हो गया। पूरा कमरा लाल रोशनी से नहाया हुआ था और कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी आंख हवा में तैरती मुझे घूर रही थी और उसके साथ लटकी पतली पतली लाल नसों से लगातार खून टपक रहा था। टप टप टप। मैंने सोचा कि पलटकर कमरे से निकल भागूं, पर जैसे ही पलटा तो कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो आंख चमक रही थी और कमरे के फर्श पर खून की लाली उस लाल रोशनी में और गाढ़ी हो चली थी। उस आंख से लगातार रिश्ता खून अब मेरे पैरों की उंगलियों के बीच आ चुका था, पर वो खून एकदम गर्म था। गर्म उबलता खून जिसमें ना सिर्फ यहां वहां से धुआं निकल रहा था, उसमें गर्मी से बनते बुलबुले निकल रहे थे। कमरे में सड़ांध इतनी बढ़ गई थी कि मुझे चक्कर आ रहे थे। मुझे अपना दम सा घुटता महसूस हुआ और मैं उस खून के बीच चलता हुआ सीधा अपने बिस्तर पर आ गया। उस खूनी आंख को देखते देखते मैंने खौफ से आंखें मूंद ली थीं। अगली सुबह आंख कुछ जल्दी खुल गई थी। रात का वाकया याद कर बदन में चीटियां सी रेंग गई थी। उठकर देखा तो कमरे में खून का कतरा भी नहीं था, पर मेरे भीतर उठता भूख और प्यास का सैलाब मुझे निगल जाना चाहता था। मैं तीर की तरह घर से निकला और सीधा अपने घर से कुछ दूर कतार से लगे ढाबों पर जा पहुंचा। दो एक से बात करके मालूम हुआ कि चिकन मटन की कुछ डिश तैयार ही थी। कल रात को फ्रिज में रख दी गई थी कि जरूरत के हिसाब से अगले दिन बेच दी जाएंगी। भूख ही नहीं, मांस की भूख मुझ पर इस तरह काबिज हो गई थी कि मैंने फ्रिज से निकलवा कर बिना गर्म करवाए दो प्लेट मटन उड़ा डाला। भूख अभी कुछ शांत तो हुई थी, पर पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। पर अब और मांस खरीद कर खाने के पैसे जेब में नहीं थे और कोई ढाबे वाला सुबह सुबह उधार देने को राजी भी नहीं था। मुझे पहले से भूख में कुछ आराम मिला था, पर प्यास अभी भी सुखाए दे रही थी। उस ढाबे से खाने के साथ कई गिलास पानी पिया, पर एक अजीब सी प्यास थी जो पानी से बुझ नहीं पा रही थी। कुछ कुछ पागलों जैसी हालत हो रही थी। जाने मेरे कदम बढ़ते हुए मुझे कहीं किस दिशा में ले जा रहे थे, शायद इस इंसानी आबादी से कहीं दूर। एक ऐसा सफर जो मेरे जिंदगी के मायने हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कुछ 4-5 किलोमीटर इन तारकोल से बनी सड़कों को लांघ मैं एक पुल पर पहुंचा जिसके ठीक नीचे एक रेलवे लाइन बिछी हुई थी। पुल के दोनों ओर कुछ दूरी तक रेलवे लाइन के किनारे कुछ झुग्गियां बसी थीं। पुल से लगी एक पतली लोहे की सीढ़ी से उतरकर उन झुग्गियों के सामने से गुजरता मैं दूर कहीं वीरानी में जाकर मिलती रेलवे लाइन के किनारे किनारे चल पड़ा। अब तक धूप काफी तेज हो गई थी। सर पर बंधी पट्टियां पसीने से भीग चुकी थीं। बेख्याली में माथे से पसीना पोंछते चेहरे पर हाथ गया तो मैं हैरान रह गया था। एक दिन पहले डॉक्टर के आने पर उतारा गया चश्मा मेरी आंखों पर जाने कैसे अभी भी मौजूद था। मुझे लगा कि हो ना हो नींदे उनींदे मैंने ही इसे पहन लिया होगा।
तो अब चौंकने की कोई बात नहीं है। इससे ज्यादा सोचने की मुझमें ताकत नहीं थी, क्योंकि वो अनजानी प्यास अभी भी मुझे जाने की ओर ले जा रही थी। मीलों दूर बिछी बजरी के किनारे बना सरकंडों भरा रास्ता, सूरज सर पर चढ़ चुका था। एक लंबे चमकते सांप की तरह दिखती उस पटरी के बीच जगह जगह बजरी के कई टुकड़े यूं चमक रहे थे जैसे जमीन पर तारे उतर आए हों। चलते चलते देखा तो रेलवे लाइन के उस पार सरकंडों के बीच एक कच्ची पगडंडी निकली हुई थी। मेरे कदम मेरे इख्तियार में तो थे ही नहीं, अपने आप दहकती मजरी पार कर मैं उस पगडंडी पर हो लिया। कुछ आगे जाकर किसी कुत्ते की रोने की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा, कदम खुद ब खुद उस आवाज की ओर मुड़ लिए। थोड़ा आगे जाकर देखा तो एकदम सफेद रंग की एक कुतिया बुरी तरह रो रही थी, पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो एकदम चुप होकर मेरी ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी, जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। उसने मेरे पास आकर तीन चार चक्कर लगाने के बाद एक और चलना शुरू कर दिया और चलते चलते रुककर मुझे देखने लगी, जैसे कि मुझे अपने पीछे आने को कह रही हो। मैं उसके पीछे चल पड़ा। कुछ आगे जाकर एक सुनसान सा पुराना सूखा पार्क था, जिसमें किसी पुराने जमाने के बेंच और पुराने झूलों के अवशेष ही बचे थे। उस पार्क के कोने में एक टूटी दीवार से निकल वो दूसरी ओर चली गई थी। उसके पीछे पीछे चलता मैं दूसरी ओर पहुंचा तो मेरी प्यास और भड़क गई थी। यहां एक बूचड़ खाना था जहां कई तरह के जानवर लाकर काटे जाते थे। पहले कभी कच्चे मांस और खून की बात से मेरा घबराने वाला मन आज जाने कैसा सुकून पा रहा था। वो जानवरों के कटे फटे खून से लिथड़े अवशेष जैसे मुझे एक नई जिंदगी दे रहे थे। बाहर ही बड़े बड़े ड्रम रखे थे, जिनमें से कुछ में कटे हुए सर और कुछ में जानवरों के शरीर के बाकी टुकड़े भरे हुए थे। दूर दूर तक जहां नजर जाती वहां की जमीन खून से इस कदर लाल हो चुकी थी जैसे बरसों उसके ऊपर से खून की नदी बहती रही हो। मैंने एक झटके से एक ड्रम में से एक बकरे का कटा सर निकाला और उसकी गर्दन के पास के जिस्म से जुदा किए हिस्से को यहां वहां से चाटने लगा। खून के कुछ कतरे हलक में उतरते ही ऐसा सुकून मिला जैसे रेतीले रेगिस्तान में मीलों मील तपती धूप में चलने के बाद किसी को पानी की कुछ बूंदों से मिलता हो। एक के बाद एक मैं एक एक कर जानवरों के कटे सरों से रिश्ते खून को वहशियों की तरह चाटता जा रहा था कि पीछे सफेद बालों वाली एक औरत, जिसका लिबास एकदम सफेद था, उसके लिबास पर खून की छींटों की डाली ऐसे शोभायमान हो रही थी जैसे किसी सुहागन की मांग में सिंदूर। यहां क्या कर रहा है छोकरे? ये डायन बाड़ा है, हिमांस और खून सिर्फ डायनों के लिए है, यहां हाड़ मांस के आदमी का कोई काम नहीं, समझा? इसके साथ ही उसका एक हाथ उठा जिसमें एक कटार चमक रही थी। मैंने उसका चेहरा गौर से देखा तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, पर उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने इसे कहां देखा है। तभी वो एक बार फिर चिल्लाई, सुना नहीं क्या? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता वो सफेद कुतिया एक बार फिर मेरे साथ आकर खड़ी हो गई थी। उसे देखते ही उसने कटार नीचे की और बोली, आप इसे यहां लाई हैं? माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। इसके बाद वो मुझे उस डायन बाड़े के अंदर ले गई। एक बहुत बड़े खून सने दालान को पार कर हम पेड़ों के झुरमुट से ढके एक गलियारे को पार कर कमरों की एक कतार के पास पहुंचे, जहां एक कमरे से काफी धुआं सा निकलता महसूस हो रहा था। उस कमरे में गए तो एक मेज पर दो बड़े बड़े थाल पड़े थे, एक ताजे कच्चे मांस से भरा
और दूसरे में खून से लबालब भरे कई कटोरे पड़े थे। उसने मेज के नीचे से एक छोटा थाल निकाला और उसमें एक खून से भरा कटोरा और काफी सारा कच्चा मांस डालकर मुझे थमा दिया और कमरे में जमीन पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, यहां बैठकर आराम से अपनी ताजी भूख प्यास मिटा ले। ये डायनों का भोग है, इसे आराम से भोग, मैं कुछ देर में आती हूं। मैं उन कच्चे मांस की बोटियों के साथ साथ उस लहू के कटोरे को अपने मुंह से लगा कब अपने बदन में जज़ब कर गया मुझे एहसास ही नहीं हुआ, पर अब जाकर मेरे मन को कुछ चैन मिला था, इतना चैन कि मेरी आंखें नींद से भरने लगी और मैं वहीं फर्श पर लेटकर सो गया था। दिन की मोमबत्ती पिघलती रही और पहर पिघली मोम की तरह बहते रहे। भूख और प्यास बुझने से कैसा नशा होता है ये मुझे उसी दिन मालूम हुआ। जाने कब तक मैं बेसुध पड़ा रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे घर वाले मेरे आसपास बैठे थे और मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं हैरान था कि कुछ घंटों पहले जो आंखें डायन बाड़ा के एक कमरे के फर्श पर मूंदी गई थीं, वो मेरे बिस्तर पर कैसे खुली थीं? सवाल कई थे पर जवाब कोई नहीं था। ये तय था कि अगर मैं अपने साथ गुजरे वाक्यों को अपने घर वालों को सुनाता तो निश्चित ही वो मुझे किसी पागलखाने में डाल चुके होते। पर वो भी हैरान थे और मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सुबह से कुछ बताए बिना निकला मैं शाम को अचानक अपने कमरे में कैसे पहुंच गया था। मैंने सबसे कहा कि मैं अभी आराम करना चाहता हूं और रात को खाना नहीं खाऊंगा। मेरी हालत देख सबने मेरी बात मान ली और मेरे कहने पर कमरे का दरवाजा बंद कर चले गए। शाम की कोख से एक बार फिर रात ने जन्म लिया। मैं आराम से बिस्तर पर लेटा रहा। जैसे ही नींद के पंजों ने सारी कायनात को अपनी पकड़ में लिया, मेरा कमरा एक बार फिर उसी भयानक बास से भर गया। धीरे धीरे कमरे में लाल रोशनी फैल गई और टप टप की आवाज के साथ कमरे का फर्श एक बार फिर लाल हो चला था। पर आज सामने सिर्फ एक आंख ही नहीं बल्कि एक बड़ा सा शैतानी सर तैर रहा था। वो आंख अब उस चेहरे का हिस्सा थी और ना सिर्फ खूब चमक रही थी बल्कि उस शैतानी चेहरे की दूसरी आंख की जगह बने गड्ढे से लाल रोशनी के साथ साथ दोनों आंखों के हिस्सों से खून के आंसू टपक रहे थे। उस कटे सर से खून की बड़ी धार उन लाल आंसुओं के साथ मिलकर उस कमरे को लहू से ऐसे भर रही थी जैसे किसी बड़े से नल से बहता पानी किसी बाल्टी को भरता है। मेरी समझ में यह शैतानी खेल आता उससे पहले ही मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने घड़ी देखी तो रात के पूरे 12 बजे थे। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और वही सफेद कुतिया जो मुझे दिन में डायन बाड़ा ले गई थी वो उस कमरे में दाखिल हुई। उसने मेरे कपड़े खींच मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया और बिन कोई आवाज किए मैं उसके पीछे चल पड़ा। इतना ही नहीं, जाने कैसे घर के सारे दरवाजे खुले पड़े थे और मेरे कमरे से निकलकर घर के बाहर आने तक खुद ब खुद बंद होते चले गए। कुछ ही पलों में मैं अपनी कॉलोनी के पार्क के पास खड़ा था। मेरे आगे वो सफेद कुतिया चल रही थी और पीछे टप टप खून की धार टपकाता वो शैतानी कटा हुआ सर हवा में तैरता आ रहा था। कच्चे मांस और लहू की हैवानी प्यास एक बार फिर मेरा हलक सुखाए दे रही थी। इतनी गहरी रात में या तो काली दुनिया के बाशिंदे जागते हैं या इंसानी दुनिया के काले काम करने वाले।
जाने वो सफेद जानवर और वो कटा सर सिर्फ मुझे ही दिख रहे थे या किसी और को भी। कॉलोनी से कुछ आगे चल मेन रोड पर आने के बाद तंग लिबासों में यहां वहां कुछ सजी धजी लड़कियां घूमती दिख रही थी। इनमें से एक के पास जाकर वो जानवर बैठ गई और दुम हिलाने लगी। चुंबक की ओर किसी लोहे के टुकड़े की तरह खिंचता मैं सीधा उसके पास जा पहुंचा। उसे देख मुझे कोई एहसास नहीं हुआ था सिवाय इसके कि उसके मुलायम कच्चे मांस से न ही सिर्फ मैं अपनी भूख मिटा सकता था बल्कि उसकी रगों में दौड़ता लहू कुछ घंटों के लिए मेरी प्यास भी बुझा सकता था। देख क्या रहा है, खाएगा क्या? 1000 निकाल और चल, वरना फूट ले यहां से। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि मेरे आसपास मौजूद शैतानी वजूदों को वो महसूस भी कर पा रही है। सफेद जानवर उस लड़की के पास से उठकर मेरे पास चली आई और मेरा सहारा ले दो टांगों पर खड़ी होकर मेरी जेब चाटने लगी। मैंने जेब में हाथ डाला तो उसमें 1000 का एक कड़क नोट मौजूद था। मैंने वो नोट निकाल उसे पकड़ाया और वो मेरी बांह में बांह डाल एक ओर चलते हुए बोली, ये हुई ना बात। और इसके बाद वो मुझे एक सुनसान पार्क में ले आई जहां की चौकीदार को उसने 50 का नोट थमाया और मुझे लेकर पेड़ों के झुरमुट के नीचे आ गई। कहना नहीं होगा कि वो सफेद जानवर और वो शैतानी सर हमारे साथ साथ ही वहां आ गए थे। अचानक उस कुतिया ने बहुत तेज गुर्राना और भौंकना शुरू कर दिया था, जैसे मेरे लिए कोई इशारा कर रही हो। मैंने उस लड़की के मुंह पर कसकर हाथ रखा और उसकी गर्दन में अपने दांत कड़ा दिए। चार पांच मिनट वो लड़की किसी पानी से निकाली गई मछली की तरह तड़पी और इसके बाद उसका जिस्म शांत होकर उस पार्क की नरम घास पर लुढ़क गया था। उस मुर्दा बदन को जमीन पर लगते ही वो शैतानी सर, वो जानवर और मैं, हम तीनों उसके शरीर से मांस और खून निचोड़ने लगे। करीब 1 घंटे तक हैवानियत का ये नाच वहां चलता रहा और इसके बाद अचानक वो सफेद जानवर और शैतानी सर वहां से गायब हो गए। मैं भी घबराया सा पार्क के दूसरी ओर से ग्रिल फांदकर दूसरे रास्ते से घूमता हुआ अपने घर पहुंचा तो सारे दरवाजे खुल गए थे और घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। मैं दबे पांव अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर लुढ़क गया। भरे पेट और बुझे हलक नींद ने जल्द ही मेरे होश छीन लिए। सुबह उठा तो पाया कि सर पर पट्टियों का कतरा भी नहीं है, पर जाने कैसे चश्मा अभी भी मेरी आंखों से चिपका हुआ था। उठकर शीशे में देखा तो सारे जख्म भर चुके थे। अपने बाथरूम से नहाकर कपड़े बदलकर बाहर निकला तो घर में कुछ पड़ोसी आए हुए थे। खबर थी कि कुछ दूर ही पार्क से एक लड़की का निचुड़ा हुआ कंकाल मिला है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। चौकीदार और बाकी लड़कियों के बयान लिए गए तो उन्होंने बताया कि वो लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ उस पार्क में गई थी। किसी भी लड़के का उसके आसपास उसके कत्ल के वक्त मौजूद होने का कोई सबूत नहीं था। ये खबर बड़े बड़े अखबारों का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े न्यूज चैनलों का हिस्सा बन चुकी थी। पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था और शरीर बेचकर पेट भरने वाली लड़कियों की मजबूरी को अनदेखा करने वाले लोग अचानक महिला सुरक्षा के लिए सजग हो गए थे। वो शैतानी सर हर रात मेरे कमरे में नुमाया होता और एक दो रात छोड़ वो सफेद जानवर जाने कहां से आकर दस्तक दे मेरे कमरे में दाखिल हो जाती। मैं अपनी खूनी भूख प्यास मिटा 2-3 दिन आराम से निकलता। उस शैतानी सर का कमरे में मौजूद रहना मेरी हर रात का हिस्सा बन चुका था। मुझे इस हद तक उसकी आदत हो चुकी थी कि लहू की टप टप और उस गली सड़ी बास के बिना मुझे नींद नहीं आया करती थी। घर वाले इस बात से परेशान थे कि अब मैं घर का खाना नहीं खाता था, तो इस बात के लिए मैंने बहाना लगाया कि मैं एक जगह खाने की सेवा में चला जाता हूं
और वहीं खाना खा लिया करता हूँ। मेरे व्यवहार में काफ़ी तब्दीली आ गई थी और ये सब उनकी समझ के बाहर था। उस इलाके में भी भत्स लाशों का मिलना लगातार जारी था। हर बार चश्मदीद किसी नए कातिल का ब्यौरा देते, पर लाशें एक ही तरह से उधेड़ी नोची गई होती। मेरे मुंह से अब कच्चे मांस और खून को छोड़ हर चीज का स्वाद खत्म हो चुका था, पर इसके साथ साथ मुझे अपने घर वालों की सुरक्षा का डर सताने लगा था। किसी दूसरे को गोश्त और लहू के अलावा कुछ न समझने वाला मैं धीरे धीरे अपने काबू से बाहर होता जा रहा था। ये सब सोच एक सुबह एक झूठा बहाना लगा, मैंने अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उसी रेलवे लाइन पर जा कुछ घंटों चलने के बाद मैं एक रुकी हुई मालगाड़ी पर चढ़ गया और कई घंटों के सफर के बाद छुपता छुपाता किसी अनजानी जगह उतर गया था। मैं अपने घर से इतनी दूर आ गया था कि अब शायद उन्हें मुझसे कोई खतरा नहीं था। हाँ, इतना जरूर था कि वो मेरे बारे में सोचकर जीवन भर परेशान रहते, पर यह कीमत उन्हें जिंदगी बख्शने के लिए शायद कम ही थी। जब तक मैं ट्रेन से उतरा, रात गहरा चुकी थी। कोई बहुत वीरान सी जगह थी। वैसे तो रात में हर जगह वीरान हो जाती है, पर यह वीरानी कुछ अलग ही थी, गहरी, वहशियाना, बहुत भयानक। अब मैं अंदर से इतना शैतान तो बन चुका था कि रात के अंधेरों और मौत का मुझे कोई डर नहीं था। और मेरे शैतानी किस्मत ने एक और पैतरा चला और मुझे सीधा वहां सुनसान मंजर के गहरे हिस्से में एक कब्रिस्तान में ले आई। उसमें दाखिल हो मैं सामने ही बनी एक कब्र पर जाकर बैठ गया। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती, मिट्टी की चादर ओढ़े कई मुर्दे जमीन के नीचे बरसों के लिए गहरी नींद के आगोश में सोए हुए थे। मैं खुद इंसानी जिंदगी और हैवानी मौत के बीच कहीं लटका था। तभी कुछ दूरी पर बनी एक कब्र लाल रोशनी से नहा गई थी। एक बार फिर लहू की धारें बहाता वो शैतानी कटासर उस कब्र के ऊपर तैरने लगा। वो कब्र एक तहखाने के दरवाजे की तरह खुली और उस लाल रोशनी से सराबोर कब्र में से वो सफेद जानवर बाहर निकली। अनजाने ही मेरे कदम उस कब्र की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर देखा तो वाकई किसी तहखाने की तरह उस कब्र से सीढ़ियां नीचे की ओर गई हुई। वो जानवर धीरे धीरे उस कब्र में उतरने लगी। उस कटे सर से टपकता लहू अब उन सीढ़ियों को लहू से सराबोर कर रहा था। मैं भी किसी बेहोशी में धीरे धीरे उस तहखाने में उतरता चला गया, पर अंदर मैंने जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। ये कोई और जगह नहीं बल्कि वही पुराने चश्मे की दुकान थी जहां से मैंने ये चश्मा बनवाया था। वो कटा शैतानी सर धीरे धीरे एक आदमी में तब्दील हो रहा था, एक बुजुर्ग छोटे कद का आदमी, और सामने सफेद खून सने कपड़ों में एक छोटे कद की बुजुर्ग औरत कटार लिए खड़ी थी। दो थालों में कच्चा मांस और ताजे खून के कटोरे रखे थे। अब मेरा माथा ठनका कि क्यों मुझे उस कटार पकड़े औरत का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। कमरे में एक और इंसानी हड्डियों का ढेर लगा था जिनसे तराश तराश कर गड़े हुए कई चश्मे के फ्रेम एक और पड़े थे। सामने जमीन से कुछ ऊपर एक चौकी पर एक कुत्ते का कंकाल पड़ा था जिसके सामने ये दोनों थाल और एक बड़े कटोरे में कुछ जलाकर खड़े थे। वो सफेद जानवर धीरे धीरे इस चौकी पर चढ़ी और उस शैतान बूढ़ा बूढ़ी ने अपने अपने सर उसके सामने झुका दिए। इसके बाद वो कहीं गायब हो गई और शायद ये उसी का कंकाल था जो उस चौकी पर पड़ा था। उसके कुछ ही दूरी पर एक बड़े पेड़ का कटा टुकड़ा रखा था। वो दोनों पकड़कर मुझे उस टुकड़े के पास ले गए और मुझे झुकाकर जमीन पर बैठाया और मेरा सर उस पेड़ के टुकड़े पर रख धड़ से अलग कर दिया। न ही मैं चीखा और न ही चिल्लाया, बल्कि उस सर के मेरे धड़ से अलग होते ही मुझे ऐसा लगा
जैसे मैं आजाद हो गया। मेरा कटा सर और धड़ काफी देर वहां जमीन पर तड़पते रहे। अभी भी मेरे कटे सर के चेहरे पर वो चश्मा बदस्तूर चढ़ा था, पर मैं एक साय के रूप में धीरे धीरे उस तहखाने की जमीन से कुछ ऊपर तैरता उस कब्र के बाहर आ गया था। ना तो बाहर कोई लाल रोशनी थी और ना ही कोई सफेद जानवर। दूर दूर तक कब्रें और वीरानी फैली हुई थी। इसके बाद उस कब्रिस्तान में उधड़ी कब्रें और उधड़े मुर्दों का मिलना शुरू हो गया था। अपने इस रूप में भी मेरी रूह इंसानी मांस के स्वाद को छोड़ नहीं पाई थी। जाने कब मैं आदमी से आदमखोर बना, आदमखोर से एक रूह जो आज मुर्दाखोर बन चुकी थी।